गुड मॉर्निंग, लेट स्टार्ट आवर क्लास। वेयर हैज इट गॉन? या लेट्स गेट इट। क्लास 8 सी, टू मोर स्टूडेंट हैव जॉइंड अस, जया पांडे एंड अक्रम। नाउ वी विल स्टडी the chapter that is called synthetic fiber and plastic in our today's class. Okay, so we will go thoroughly, not need to see the YouTube that has been given over here. So dekhne ki zarurat nahi hai, ek bas ek chhota sa maine channel bana diya hai iske baad. So let's study. Aaj hum log kya padhenge? We are going to understand about the synthetic fiber. सबसे पहले इस बात को रियलाइज करो कि आप लोग जो ड्रेस पहनते हो, जो कपड़ा पहनते हो, जो शर्ट पैंट वगैरह पहनते हो, ये कैसा है? ये सिंथेटिक है कि प्योर नेचुरल फाइबर है? देखो, फाइबर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक सिंथेटिक फाइबर, दूसरा नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का मतलब ही होता है मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर मीन्स जो फाइबर इंसान ने आर्टिफिशियली बनाया, दैट इज कॉल्ड मैन मेड फाइबर। एंड दिस मैन मेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। बट इफ आई से यू अबाउट नेचुरल फाइबर, दिस नेचुरल फाइबर वी गेट आइदर फ्रॉम द प्लांट और फ्रॉम द एनिमल। ये नेचुरल फाइबर है, हमें या तो प्लांट से मिलता है, नहीं तो एनिमल से मिलता है। अब जैसे प्लांट से पाया जाने वाला जो नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, क्या है? हाँ, वो कॉटन है। और प्लांट से पाया जाने वाला क्या है? सिल्क है, सिल्क है, उल है, ये सब एनिमल से पाया जाने वाला फाइबर है। और प्लांट से पाया जाने वाला, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, कॉटन और भी है। हाँ, और भी है, मैं बता तो रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक लाइक नेचुरल फाइबर आर मेड वेरी लार्ज यूनिट ऑफ पोलीमर। पोलीमर क्या होता है? व्हाट इज पोलीमर? मर का मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल तो उसको बोलेंगे मोनोमर, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके फाइबर बने, रस्सी बने, सूता बने, कुछ भी बने, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके, तो बहुत सारे को क्या बोलते हैं? पोली, और मर मतलब मॉलिक्यूल। तो एक रहेगा तो क्या बोलेंगे? मोनोमर। क्या बोलेंगे? मोनोमर। तो क्या मोनोमर, एक मॉलिक्यूल से आपका कोई भी फाइबर बन सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं बन सकता। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलके बनते हैं, चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स के मिलने से पॉलीमर, क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वी टेल इट पॉलीमर। हम लोग इसे क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, ठीक है ना। Polymers are made from many smaller units, and these smaller units are called monomer. So, क्या बोलते हैं हम लोग? बोल मोनोमर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोग, बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ केमिकल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर, दे आर कॉल्ड रेयन, नाइलॉन, पोलिस्टर, एक्रिलिक। अलग अलग तरह का मटेरियल यूटिलाइज, केमिकल यूटिलाइज होने के कारण ये जो सिंथेटिक फाइबर है, ये चार कैटेगरीज में डिवाइडेड हो गया है। कौन कौन सा? आइदर रेयन, नहीं तो नाइलॉन, नहीं तो पॉलिस्टर, नहीं तो एक्रिलिक। जनरल बात कहता हूँ, आप लोग कॉटन का ड्रेस पहनते हो, यू वियर अ कॉटन ड्रेस, इट इज अ नेचुरल फाइबर, एंड दिस नेचुरल फाइबर इज ऑब्वियसली यूटिलाइज टू मेक द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ, एंड ऑब्वियसली दिस क्लॉथ आर वेरी कंफर्टेबल टू अस। पहनने में ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। But as you know that there is a very scarcity of this kind of things, and the population is increasing day by day. So how can you fulfill the requirement of this kind of fiber? मतलब जिस गति से urbanization हो रहा है, you can say industrialization हो रहा है, urbanization हो रहा है और population बढ़ता जा रहा है, तो population के requirement के हिसाब से जितना natural fiber बनना चाहिए उतना बन नहीं पा रहा, तो उसको हम लोग फुलफिल कैसे करें? ऑब्वियसली सिंथेटिक फाइबर से। इसके अलावा नेचुरल फाइबर कहीं कहीं जगहों पे
बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं नेचुरल फाइबर का, जैसे सड़ जाना, फट जाना, कट जाना। बट ये जो सिंथेटिक फाइबर है इसके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, काफी दिनों तक चलता है ना। और इसके अलावा एक बार पैसा लगा दो तो आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता, बहुत सारी बातें। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए ही सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। सिर्फ शर्ट और पैंट और कोई कपड़े बनाने के लिए नहीं, रस्सियां बनाने के लिए भी, इवन आपके घर में जो मग वगैरह है, बाल्टी वगैरह है, वो भी सिंथेटिक फाइबर का ही है। तो सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ लिखा हुआ है सिंथेटिक फाइबर के फायदे, देखो लिखा हुआ है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर डिफर फ्रॉम वन अनदर, जितने भी फाइबर्स हैं सब एक दूसरे से अलग हैं। क्यों, कैसे अलग है? ऑन देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पर अलग है। वाटर एब्जॉर्बिंग, कोई ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, कोई एकदम एब्जॉर्ब नहीं करता। नेचर बर्निंग, कोई बहुत तेजी से जल जाता है, कोई बहुत स्लो जलता है, जलता ही नहीं है, बहुत तो ऐसे बिल्कुल जलते ही नहीं। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव, किसी का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, किसी का कॉस्ट बहुत कम है। ड्यूरेबिलिटी, कोई बहुत ज्यादा दिनों तक चलता है। तो दीज आर द फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर वी यूटिलाइज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या, सिंथेटिक फाइबर। समझ में आया यस सबको? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ सर, देखो यस तो सर, सब बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, वेरी गुड। ये बहुत जनरल बातें हैं, सारी बातों को मैं दोबारा डिस्कस करूंगा नीचे वाले चैप्टर, नीचे वाले पार्ट में। जस्ट वेट, देखते आगे। द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक, सॉरी ये टॉपिक छूट गया। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप, प्लास्टिक आर्टिकल को हम जैसे भी चाहें वैसे शेप दे सकते हैं। ये मोल्डेबल है, स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है। प्लास्टिक तो आज के युग को, ये जो 21st सेंचुरी चल रहा है, इस 21st सेंचुरी को प्लास्टिक सेंचुरी भी कहा जाता है और प्लास्टिक का युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के डेट में जितना भी प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो प्लास्टिक का हो रहा है। प्लास्टिक का। प्लास्टिक का जो खोज है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खोज है, लेकिन इसका जो यूटिलाइजेशन का तरीका है वो हम लोग बहुत गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसके वजह से ये पॉल्यूशन कर रहा है। ऐसे प्लास्टिक को यदि ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो ये हमारे बहुत 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 काम आने वाला है, लेकिन हम इसे पॉलिथीन बना के अपने घर के आसपास फेंक रहे हैं, इसको हम डिस्पोजल ग्लास बना के अपने घर के आसपास फेंक रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? हमारा पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूट हो रहा है। समझ में आया ना? तो तरीकों को हम लोग ढंग से यूटिलाइज नहीं करते। आज सोचो प्लास्टिक नहीं होता, आपका ब्रश होता, कंप्यूटर का कीबोर्ड होता, आपके मोबाइल का खोल होता, आपके घर में बाल्टी और डब्बा होता। प्लास्टिक के बिना तो बहुत सारे चीज होते ही नहीं। जितने भी आज के डेट में शैम्पू का पैकेट वगैरह आ रहा है तो सब तो प्लास्टिक में ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोचो यदि प्लास्टिक में नहीं आता तो वो किस चीज में आता? कागज में? कागज में वो रह नहीं सकता। तो प्लास्टिक देखा जाए तो बहुत सारे चीजों के लिए बहुत 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 अच्छा है, लेकिन जिस गति से ये फैला रहा है, क्या फैला रहा है? पोल्यूशन, वो हमारे लिए चिंताजनक है। समझ में आया? इट इज वेरी, हाँ। नाउ द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। प्लास्टिक कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी जिक्र करूंगा। जस्ट वेट, वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इन सच ए मैनर दैट वी कैन एंजॉय देयर गुड क्वालिटी। हमको ऐसे यूज करना चाहिए जैसे इससे हम गुड क्वालिटी को एंजॉय करें, एंड सेम टाइम वी मिनिमाइज द एनवायरमेंटल हजार्ड, और एनवायरमेंट के हजार्ड को भी हम ज्यादा से ज्यादा कम कर सके। पहले जो टेलीविजन के डब्बे आते थे वो लकड़ी के डब्बे हुआ करते थे, किन लोगों ने देखा है जरा हाथ उठाना, कौन कौन लकड़ी के डब्बे वाला टेलीविजन देखा है? सिर्फ नाम बताओ तो। सद्दाम सुहानी देखियो, लकड़ी के डब्बे वाला। आज देखो प्लास्टिक के खोज के बाद क्या होता है, सारे टेलीविजन जो है वो प्लास्टिक के डब्बे में बना हुआ है। आयरन का बना दिया जाए, टीन का बना दिया जाए तो करंट मारने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई मेटल का तो नहीं बना सकता, आपको नॉन मेटल का ही बनाना है। नॉन मेटल में या तो वुड ले लो, नहीं तो रबड़ ले लो, नहीं तो ग्लास ले लो, और नहीं तो प्लास्टिक ले लो। विच वन इज सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ? विच वन? हाँ, प्लास्टिक। तो इसका यूटिलाइजेशन सोच समझ के करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये गलत ढंग से जिस तरह से हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका तरीका बिल्कुल नहीं है। चलो एक आप लोगों के दिमाग में माइंड मेकअप बनाते हैं, बहुत सुंदर सा माइंड मेकअप मैंने तैयार किया है, देखते हैं।
क्या देखते हैं क्या है, माइंड मेकअप है फाइबर एंड प्लास्टिक, दो चीज है, यानी कि ये सिंथेटिक फाइबर, क्या है सिंथेटिक फाइबर, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। चलो फाइबर वाले कैटेगरी में देखते हैं, फाइबर वाले कैटेगरी में देख लेते हैं, पहले फाइबर देखेंगे उसके बाद प्लास्टिक देखेंगे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन गया यहाँ फाइबर। सो फाइबर इज टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक। आई होप यू नो, यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीज द नेचुरल फाइबर इन क्लास 7। यस सर, क्लास 7 का बोर्ड पढ़ लिया, इसलिए ये वाले चीजों को आज पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है हमें ये सिंथेटिक फाइबर, दैट इज मैन मेड फाइबर। सो मैन मेड फाइबर हैज बीन कैटेगराइज इन फोर पार्ट, दैट इज कॉल्ड रेयन, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर, नायलॉन, नायलॉन, एक्रिलिक। प्लीज चुप रहिए बेटा, ठीक है। हाँ चलो, अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में समझेंगे। वेट वेट, ये देखो रेयन के बारे में बात करते हैं हम लोग। रेयन ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, वुड पल्प एंड ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, रेयन को ही आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। क्यों कहते हैं, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क क्योंकि आज के डेट में जितने भी सूती वस्त्र आते हैं, कपड़े आते हैं, मतलब जो भी आर्टिफिशियल सिल्क का कपड़ा आता है, साड़ी वगैरह आता है, वहाँ कहीं ना कहीं रेयन मिक्स है। और रेयन किससे निकाला गया पता है, रेयन निकाला गया आपके वुड जो होता है ना, लकड़ी जो होता है, कच्चा लकड़ी, तो कच्चा लकड़ी को पीस करके उसका, उसको आटा की तरह बना करके, और उसमें से निकाला गया ये वुड पल्प, क्या निकाला गया रेयन। हाँ ये आप लोगों ने सुना होगा कि सोनपुर में एक कोई लेडीज हैं, कोई लड़की हैं, वो जो केले, केला जो होता है ना, केला, केला का फाइबर यूटिलाइज करके इससे ड्रेस पे ये बनाती हैं, शॉल वगैरह बनाती हैं। Have you listened this? आप लोगों ने सुना है क्या? आज YouTube में सर्च कर लीजिएगा। No, sir. हाँ YouTube में आज सर्च करिएगा, देखिएगा कैसे बनाती हूँ, ठीक है ना। तो वो क्या है, नेचुरल फाइबर है, क्या है, हाँ केला का जो फाइबर है नेचुरल फाइबर है, वैसे उसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट हाँ कम से कम 2-3 साल तो वो आराम से चल जाता है, समझ में आया ना, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, हाँ लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सो इट इज ट्रीटेड केमिकली, किसको ट्रीट करते हैं केमिकली, वुड पल्प को, किसको, वुड लकड़ी का जो, हाँ पल्प मतलब होता है, पल्प मतलब होता है उसके अंदर का जो स्पंजी मटेरियल होता है, उसको पीस करके उसमें, उसको केमिकली ट्रीट करके रेयन निकाला जाता है। सिमिलरली पॉलिएस्टर, पॉली, पॉली माने बहुत सारे, इस्टर, इस्टर मतलब होता है मॉलिक्यूल, इस्टर के मॉलिक्यूल, ये एक इस्टर का मॉलिक्यूल, ये एक इस्टर का मॉलिक्यूल, ये एक इस्टर का मॉलिक्यूल, बहुत सारे इस्टर के मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बन गया, पॉलिएस्टर, क्या बन गया भाई, पॉलिएस्टर, हाँ पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर, क्लियर हो गया। इस्टर क्या है, इस्टर जो है एक तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन जब ये रहता है, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, को बोलते हैं इस्टर। ये आप लोगों को अभी समझने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पढ़ना है क्लास 10 में जाके। तो मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ इस्टर, ठीक है, टेरिलीन, पीईटी, पीईटी मतलब जो भी आज के डेट में जो भी किनले का बोतल आता है, बिस्लेरी का बोतल आता है, देखे हो ना बोतल सब, ये सब पीईटी का बना हुआ, पीईटी का बना हुआ है ना, एंड डबलिया, ये सब पॉलिएस्टर का बना हुआ, समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ, हाँ यस सर। तो पॉलिएस्टर जो है ये पॉली, पॉली माने बहुत सारे इस्टर के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, टेरिलीन और पेट इसका एग्जांपल है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट नायलॉन, यू हैव लिसेंड दिस वर्ड फ्रॉम योर माउथ, फ्रॉम द माउथ ऑफ योर मदर और फादर लाइक दैट। कई बार आप लोगों ने नायलॉन का नाम अपने मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा, है ना, ये भी क्या है एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, ये भी क्या है एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है ना। सर ईस्टर क्या होता है, सर ईस्टर बोला ना, एक तरह का कार्बन, कार्बनिक सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन जो है किसके यहाँ से हल्ला हो रहा है, अभी सबको चुप करा दे तो अच्छा लगेगा, सर साहिल का माइक खुला हुआ है, साहिल अच्छा लग रहा है क्या, हाँ तो ईस्टर, हाँ
ईस्टर, हाँ ईस्टर जो है ये कार्बन, एक तरह का कार्बन कंपाउंड है और उस कार्बन कंपाउंड से मिला करके ही पॉलिस्टर बनता है। ठीक है, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, क्लास 10 में ही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नाइलॉन। नाइलॉन जो है वो पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है और ये स्टील के वायर से भी सख्त होता है। आप लोग नाइलॉन का रस्सी वगैरह देखे होंगे जिससे आप लोग कपड़ा वगैरह सूखने के लिए, सन ड्राई करने के लिए रखते हैं, देखे ना। तो वो जो हल्का हल्का सा लोहे टाइप का होता है, वो लोहा नहीं होता है। गाय वगैरह का जो, गाय और बकरी लोगों को, बकरी का नहीं, गाय का जो रस्सी नहीं होता है गला में, जो रस्सी बांधी जाती है। यस सर, यस सर, यस सर। वो जो कलरफुल, हाँ कभी कभी रेड कलर का, हाँ वही चीज, कभी रेड कभी ब्लू कलर का, अलग अलग कलर का। नाउ एक्रिलिक, आज के डेट में जो आराध्या जो है स्वेटर पहन के आती है, जया जो है स्वेटर पहन के आती है, बहुत स्वेटर जो है बहुत स्पंजी स्पंजी दिखता है, उसमें बहुत सारे ग्लिटर चिपके होते हैं। ऐसा स्वेटर आप लोग देखे हो ना, वो एक तरह का आर्टिफिशियल ऊल है। क्या है? आर्टिफिशियल ऊल, हाँ ऊल है। और उस ऊल से जो है आज के डेट में, आज कल देखो कि कई बार जो ऊलन चादर आता है, बड़ा बड़ा चादर नहीं आता है जो लोग अरबिया कंट्री से वगैरह लेके आते हैं, वो ऊलन थोड़ी ना है, वो एक्रिलिक है। क्या है? एक्रिलिक। जो नहीं देखे हो कम्बल उम्बल, नहीं देखे हो कम्बल में सोते हैं लोग, कम्बल फोड़ते हैं, देखे हो? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। अब ये हमारा सिंथेटिक फाइबर का इधर वाला पोर्शन खत्म, अब चलेंगे हम लोग प्लास्टिक, मिस्टर प्लास्टिक के पास चले आते हैं। देखो, ये देखो प्लास्टिक, प्लास्टिक हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, इसको हम दो रूप देना चाहें वो दे सकते हैं। मान लो एक थर्मोप्लास्टिक का डब्बा है, मतलब कोई डब्बा है, उसको हम गर्म करके उसको कोई डिजाइन का बनाना चाहें, हम बना सकते हैं ना सर। बाल्टी का जो प्लास्टिक प्लास्टिक है उसको जला करके हम कुछ भी बना सकते हैं, यदि हमें मतलब अपने हाथों का केयर रखना है, मतलब हाथ नहीं जलने देना है, बहुत लोग बनाते हैं। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये जो आपका ये जो फ्यूज है, ये जो स्विच है, देख रहे हो ना ताहिल, बहुत खूबसूरत हो बेटा, हम देख लिए तुमको। समझ में आया? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसको बोलते हैं। जितना भी आप लोगों के घर में स्विच वगैरह देख रहे हो ना, स्विच, ये जो आपका प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर का जो हैंडल आप देख रहे हो, ये हैंडल, ये सब जो प्लास्टिक का बना हुआ है, ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको जल तो सकता है, मतलब कभी कभी जल जाता है, जल तो सकता है, बट इसको आप रिमोल्ड नहीं कर सकते, इसको अपने मर्जी से आप इसको कोई दूसरा डिजाइन नहीं दे सकते। समझ में आया नहीं आया? Yes. तो सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। समझा रहे हैं। थर्मोप्लास्टिक को, कोई भी प्लास्टिक हो, जैसे बाल्टी वाल्टी का प्लास्टिक है, इसको हम आग में रख करके, इसको गला करके, इससे कुछ नया चीज बना सकते हैं, है ना बना सकते हैं ना, छोटा सा डब्बा बना सकते हैं। मुंह बंद करो। यस सर, यस सर। आपके घर में जो स्विच है, स्विच, वो भी तो प्लास्टिक का बना हुआ है, उसको जलाओ तो वो जल तो जाएगा, लेकिन उससे कोई चीज हम नहीं बना सकते। मतलब जैसे मिट्टी होता है ना, मिट्टी को हम एक गोला बना करके उससे हम मूर्ति बना सकते हैं ना, मिट्टी का बना लेते हैं ना। yes, बिल्कुल वैसे ही इस प्लास्टिक से हम ये इस तरह का कुछ भी बना सकते हैं, बट इस प्लास्टिक से नहीं बनता। समझ में आया? क्योंकि वो जल जाता है, लेकिन वो अपना रूपरेखा चेंज नहीं करता। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। देखो लिखा हुआ है, दे कैन बी डिफॉर्म, मतलब इसके, इसको अलग से हम, मतलब इसके फॉर्मेशन को, इसका जो रूपरेखा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, एंड बेंड, उसको मोड़ सकते हैं इजिली ऑन हीटिंग करके। जैसे आप लोगों के घर में पाइप लग रहा है, वो पाइप के अंदर पाइप सेट करना है ना, तो क्या करते हैं लोग, जला करके उसको फैला करके तब इसके अंदर पाइप सेट करते हैं, देखे हो? यस सर। ये पाइप वाला जो प्लास्टिक है वो कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक। क्या है?
लेकिन व्हेन मोल्डेड वन, जब एक बार इसको बना लिया, स्विच बना लिया या फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन बना लिया, चाय छानने वाला, सॉरी चाय छानने वाला बोल रहे हैं, चाय सॉसपेन होता है ना, चाय चाय के पैन को क्या बोलते हैं, सॉसपेन, सॉसपेन का, हाँ सॉसपेन का हैंडल बन गया, ये हैंडल, हाँ ये हैंडल दोबारा रिमोल्ड नहीं हो सकता, समझ में आ गया, हाँ चलिए आगे, ये परमानेंट हो जाता, वाह वेरी गुड, समझ में, हाँ खाली, हाँ चलो ये समझ में आया बेटा आप लोगों को, पेज छोटा दिख रहा है क्या, पेज पेज को बड़ा कर दूँ, ठीक है ठीक है, चलो एक बार बड़ा ही कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्क्रीन में थोड़ा छोटा दिखता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जैसे क्या फोन बज रहा है, प्लीज आप लोग अपना अपना बंद कर रखो बेटा। नाउ द थर्मो प्लास्टिक हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पॉलीथीन एंड पीवीसी, पोली पोली मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में, इथीन, इथीन का मतलब होता है CH2, ठीक है ना, ये भी एक कार्बन कंपाउंड है, अभी आप लोगों को नहीं समझ जाएंगे, ठीक है। तो पोली मतलब बहुत सारे मात्रा में इथीन, इथीन के मॉलिक्यूल्स को यदि बहुत बहुत सारे चेन के मात्रा में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पोलीथीन, क्या बन जाएगा, ये पोलीथीन तो आप लोगों ने देखा होगा, हाँ जी पोलीथीन, हाँ बैग वगैरह, पोलीथीन बैग वगैरह होता है, प्लास्टिक जो ऊपर में तिरपाल वगैरह जो नहीं होता है वो सब पॉलीथीन का बना है, क्या बना हुआ है, पॉलीथीन, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग, समझ में आई क्या होगा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट पीवीसी, पॉलीवेनाइल क्लोराइड, लिखा हुआ है पॉलीवेनाइल क्लोराइड, ये भी एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो की कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है, रबर की तरह होता है, और जब आप लोगों के घर में हाउस वायरिंग होता है, जब वायरिंग होता है तो अंदर ही अंदर दीवार के अंदर अंदर एक पाइप जाता है, देखिए हो, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ है। इसके अलावा ये जो टंकी का जो पाइप आता है, टंकी का पाइप, ये भी पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ है। ये जो छत का पाइप आप लोगों के नीचे पानी उतारने के लिए जो छत का पाइप आता है, पानी उतारने के लिए जो छत का पाइप आता है, देखे हो ना, वो भी बारिश का पानी, बारिश का पानी आता है, वो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड का नाम होता है तार, देखियो तार, वायर, वायर, और वायर के चारों तरफ जो रबर लगा रहता है, रबर, रबर, देखे हो, जिसको छीन के तार निकाला जाता है, यस सर, यस सर, देखा है सर, हाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग बट लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग होता है बट हल्का होता है, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉय, इससे क्या बनता है, टॉय बनता है, कॉम्ब, कंगी, हाँ कंगी बनता है, तो भूल ही गया था, एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, जो भी डब्बा आपके घर में आता है सब पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट बेकेलाइट एंड मेलामाइन, पूरा चैप्टर ही हम लोग पढ़ लिए बेटा यहाँ से, शॉर्ट में, समझ में आ रहा है, खाली अब ग्राफिक करना है, सारा चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया, देखो यहाँ से बेकेलाइट, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दो भागों में डिवाइड किया गया, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। बेकेलाइट क्या होता है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी ये जलता भी नहीं है और जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता है, एंड यूटिलाइज फॉर मेकिंग स्विच हैंडल, समझ में आई क्या होगा आप लोगों को, जो अभी स्विच हैंडल के बारे में बात कर रहा था मैं, स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, नहीं देखे हो, हाँ ये जो पिन पॉइंट बनता है, पिन पॉइंट, ये पिन पॉइंट है ना आप लोगों के घर में, उल्टा, ये तो उल्टा बना हुआ है, इसका बना हुआ है बेकेलाइट का, किसका बना हुआ है भाई, बेकेलाइट, ये जो आपका आपका जो प्रेशर कुकर का जो हैंडल बना हुआ है वो किसी का बना हुआ है, ये भी बेकेलाइट का बना हुआ है, समझ में आया, अब चलो मेलामाइन पढ़ते हैं भाई, मेलामाइन, मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल दैट इज एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन द प्लास्टिक एंड मेकिंग फ्लोर्स ऑफ द टाइल्स, किचन वेयर्स, किचन वेयर मतलब बहुत सारे किचन वेयर वगैरह आप लोग देखे होंगे, इस तरह का ऊपर में क्या है, ढक्कन लगा हुआ है ऐसे, देख रहे हो किचन वेयर का, इवन आप प्लास्टिक का बना हुआ छलनी और करछुल देखे होंगे आप लोग, देखे हैं, प्लास्टिक से बना हुआ, हाँ उसी से उसको इतना गर्म में उसको भूज रहे हो तो कुछ हो नहीं रहा है ना, दीज आर द प्लास्टिक एंड दीज आर मेड अप ऑफ मेलामाइन, ये बहुत हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, मेलामाइन का बना होता है, अंडरस्टूड,
यस सर, बहुत सारा किचन वेयर और बहुत सारा फ्लडिंग, फ्लडिंग मतलब जमीन के नीचे जो जमीन पर फ्लोर डिजाइनिंग वगैरह लगाया जाता है उसमें भी मेलामाइन लगाया जाता है ना, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। आप लोग के घर में भी शायद होगा, नहीं पता है कि नहीं, मैंने अपना घर पे खरीद के रखा है मेलामाइन, मतलब नीचे में जो वो नहीं प्लास्टिक टाइप का होता है नीचे में बिछा देते हैं, उसी टाइप समझ में आ गया, मैट टाइप का, समझ में आ गया कि नहीं आया। चलो तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ ही दिया, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ये तो फाइबर एंड फैब्रिक्स हम लोग जानते ही हैं, जानते हैं ना, वी डू अबाउट दिस। यस सर। सो फाइबर एंड फैब्रिक्स द क्लॉथ दैट इज दैट आर मेड ऑफ फैब्रिक्स एंड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर, सो देयर इज अ जो पतला पतला सूता होता है, दिस आर कॉल्ड फाइबर्स एंड दिस फाइबर्स आर यूटिलाइज फॉर वूविंग द फैब्रिक्स। इसी फाइबर से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, ये जो पतला पतला सूता होता है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइबर एंड दिस फाइबर इज वूवन, इस फाइबर को हम लोग क्या कर देते हैं, बिन देते हैं एंड दिस कन्वर्ट इनटू फैब्रिक, समझ में आया, फैब्रिक फैब्रिक जो है कहीं ना कहीं फाइबर का बना होता है, किससे बना होता है, फाइबर से बना होता है, फाइबर का। हाँ, सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल सोर्स। ओके, I hope you all are understanding. 5 minute time bacha hua hai. Yes, sir. Aage bada yes, sir. Yes, sir. So, now we have some more topics. Synthetic. Ye sab koi jo maine aaj bhi dikhaya, sab koi screenshot le karke, sab koi pura ka pura chart bana ke dega. Ye pura ka pura notes hai. You know, you need to draw and write in your copy. Samajh mein aaya meri baat? Isme se kuch bhi question nahi diya. Kuch bhi question main write kar sakta hu. You need to draw and write all these things that has been taught today. Understood? Yes, sir. Haan. Yes, sir. Synthetic fiber are made of molecules. Synthetic fiber kis cheez se banta hai? Monopolymer. Pehle hi bata diya. So it is the question can be asked in form of FIB. Fill in the blanks ke form mein ye question pucha ja sakta hai. Understood? Yes, sir. Next. Yes, sir. A polymer is a large molecule made up of combination of many small molecules and each molecules are called monomer. Polymer kis cheez ka bana hota hai? Monomer. Monomer. Haan. Yes, sir. Ab ye ek monomer aur iske saath dusra monomer ko kaise chipkayenge? Tisra monomer ko kaise chipkayenge? Molecules ko, 14 molecule ko kaise chipkayenge? तो चिपकाने का पोली प्रोसेस को बोलते हैं पोली, माने बहुत सारे, मर मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स को राइजेशन चिपकाना, पॉलीमराइजेशन क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमराइजेशन, पोली माने बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक साथ चिपका देना, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, पॉलीमराइजेशन, क्या नाम दिया गया, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर को कंबाइन करा दिया टू फॉर्म अ पॉलीमर, क्या बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए, प्रोसेस का नाम क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन। अब यहां पे एक ऐसा क्वेश्चन तो मैं पूछ ही सकता हूं, मैं जस्ट लिख रहा हूं बट ये आपको लिखना है पूरा, डिफाइन पॉली, फाइंड द पॉलीमराइजेशन। हां, समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं मेरे संपर्क में जो बच्चे 10 दिन पढ़ ले उनको सब समझ में आने लगता है कि क्या-क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर कैन बी कंपेयर्ड to the bead necklace, bead of necklace and the bead being the monomer. जैसे मान लो आप मोती का कोई हार पहन रहे हो, मोतियों का हार, तो इसमें या फिर कोई गिठी लगा रखे हो, आगे गिठी लगाए, फिर एक गिठी लगा दिया, फिर एक गिठी लगा दिया, एक गिठ और लगा दिया, एक गिठ ऐसे, एक रस्सी में गिठ लगाते जाते हो, तो ये गिठ क्या है, ये मोनोमर है, समझ में आया, तो लिखा था स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस बीड के जैसा होता है, जो बीड होते हैं, ये जो बीड हो रहे हैं, ये सब क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोनोमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोनोमर, समझ में आ गया, मोनोमर। यस सर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, 2 मिनट बचा हुआ है तो फटाफट और देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर मैंने पहले ही आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, रेयन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, समझ में आ गया ना सबको आप लोगों को, यस सर, यस सर, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट रेयन, यही पर आ गया छुट्टी, रेयन और इसका यूटिलाइजेशन, 2 मिनट बचा हुआ, फटाफट सुनो,
रेयन ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, वुड पल्प को केमिकली ट्रीट करके निकाला जाता है, इसीलिए इसको सेमी सिंथेटिक भी बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर। नोट कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन दे दूंगा ये वाला, सेमी सिंथेटिक फाइबर नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हिच फाइबर इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर? तो रेयन इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इसको क्या बोला जाता है भाई? आर्टिफिशियल सिल्क। इट इज चीपर देन सिल्क, सिल्क से ये सस्ता है। एंड कैन बी डाइड इन द वाइड वैरायटी ऑफ कलर, डाई मतलब इसको डिफरेंट कलर में बनाया जा सकता है। इसलिए जितनी भी साड़ियां होती हैं लेडीज लोगों की, वो बोलते हैं कि ये सिल्कन साड़ी है, बट सिल्कन साड़ी को बनाने में, एक सिल्कन साड़ी को बनाने में लगभग 5000 से ज्यादा, ये मतलब बहुत कम रेट बता रहा हूँ, इससे कई गुना ज्यादा खर्चा पड़ता है। और जबकि रेयन का बन जाए तो ये खर्चा 500 के करीब आ जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सिल्कन क्लॉथ और सिल्कन साड़ी विल बी वियर्ड बाय द गर्ल्स और वुमेन्स नाउअडेज। जितना भी सिल्कन साड़ी आज के डेट में पहन रही है वो पूरा का पूरा प्योर सिल्क नहीं है, चीपर देन द सिल्क। दे कैन बी डाइड, उसको कलरफुल बनाया जाता है। सिल्क का एक ही कलर होता है, लाइट येलो इस कलर, लाइट गोल्डन कलर होता है। लेकिन यहाँ पे सिल्कन साड़ियाँ कितने कलर में आती हैं, लाल, पीली, हरी, बैगनी, सो दे कैन बी डाइड। समझ में आ गया? एक मिनट से कम टाइम बचा हुआ है। रेयन का यूज होम फर्निशेस, आप लोग इसको स्क्रीन शॉट कर लो, कल इसको एक्सप्लेन कर, ठीक है? आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया होगा आपको।